इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोडक्शन जो है एक वेरिएबल फैक्टर है। दो किस्म के फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर में आ जाते हैं जो लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, जो हम इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। फिक्स्ड फैक्टर इजीली चेंज नहीं होते, इनको चेंज करने के लिए टाइम लगता है। वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन जो है एक वेरिएबल फैक्टर है। अगर हमें किसी भी कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो उसको बढ़ा सकती है इजीली, इतना टाइम नहीं कंज्यूम करती प्रोडक्शन बढ़ने में, इतना टाइम नहीं लगता, तो ये इसलिए हम इसे वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंक्रीज दी क्वांटिटी ऑफ ओनली ऑन इनपुट वेरिएबल अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट फिक्स्ड द टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज एट एन इंक्रीज देन एट डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली एट अ नेगेटिव वैल्यू। वो कह रहा है कि अगर किसी कंपनी ने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना है तो सबसे पहले उसे अपनी इनपुट बढ़ानी पड़ेगी। इनपुट मुराद मतलब अपनी लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। वो अपनी लेबर को बढ़ाएगी तो उसकी प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी 5 मशीनरीज हैं और 5 मशीनरीज के लिए 5 बंदे काम कर रहे हैं, तो एक 5 बंदे प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, तो वो अच्छे से कंपनी की जो मशीनरी है उसको लेबर जो है अच्छे से नहीं चला पा रहे, क्योंकि मशीनरी में प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम देखते हैं बंद करके और अच्छे से मतलब उनका वो अच्छे से कंप्लीट प्रोडक्शन जो है ना वो नहीं ले रहे मशीनरी से, तो कंपनी जो है अपने 5 लेबर और बढ़ा देती है। 5 लेबर के बढ़ने से प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है और जो लेबर हैं उनका वो भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के ईजीली काम करते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ती है। तो कंपनी चाहती है वो और प्रोडक्शन बढ़ाए तो वो 5 लेबर को और ऐड कर देती है, पर इस दफ़ा जो है लेबर जो है 5 लेबर के ऐड होने से जो प्रोडक्शन है उतनी ही रही, क्योंकि मशीनरी तो उतनी है ना, 10 बंदों ने इजीली 10 बंदों की ज़रूरत थी, 10 बंदों ने मशीनरी को हैंडल कर लिया, पर कंपनी ने सोचा कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और 5 बंदे लाएंगे तो प्रोडक्शन और बढ़ेगी। प्रोडक्शन कभी भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि मशीनरी आपके पास लिमिटेड है। अगर मशीनरी भी बढ़े, लैंड भी बढ़े तो फिर प्रोडक्शन बढ़ सकती है, पर हम इस टाइम वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहे हैं। वेरिएबल फैक्टर वो है जो चेंज किए जा सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर की हम बात नहीं कर रहे। मशीनरी जो है फिक्स्ड फैक्टर में आती है, वो उसकी बात नहीं कर रहे। इस लॉ में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के बारे में है। तो लेबर को बढ़ाया तो फिर एक एक टाइम आएगा कि कॉन्स्टेंट रहेगी, एक जैसी प्रोडक्शन हमें मिलेगी। अगर हमने और एम्प्लॉय को लाया तो फिर हमारी वैल्यू जो होगी नेगेटिव में आएगी, मतलब हमारी कॉस्ट जो होगी वो नेगेटिव में आएगी, हमारी प्रोडक्शन नेगेटिव में आएगी। आई होप दोस्तों आपको लॉ ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।